हे वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है वन प्लस नॉट टू। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट टू के कुछ फीचर्स के बारे में जो कि रिसेंटली ही सामने आए हैं। तो वन प्लस नॉट टू वन प्लस नॉट का सक्सेसर है। लास्ट ईयर जब वन प्लस नॉट लॉन्च हुआ था तो ये काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी हाइप में बना रहा, और इस साल नॉट टू इसका सक्सेसर आने वाला है तो इसका भी हाइप उससे भी ज़्यादा बना हुआ है। तो वन प्लस नॉट टू में क्या कुछ देखने मिलेगा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं वन प्लस नॉट टू के डिस्प्ले से। तो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। वन प्लस नॉट टू में 6.43 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। और यहाँ पर कुछ रूमर्स और लीक से ये भी पता चला है कि यहाँ पर शायद 168 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी हो सकता है। और डिस्प्ले में हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये सिमिलर टू वन प्लस नाइन के जैसा ही हो सकता है, वन प्लस नाइन या फिर वन प्लस नाइन आर की सिमिलर हो सकता है, सिर्फ थोड़ा कुछ चेंजेस होने के बाद। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। वन प्लस नोट टू इज एक्सपेक्टेड टू बी पावर्ड बाय ऑक्टाकोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 1200। लास्ट ईयर हमने देखा था वन प्लस नोट जो कि ओरिजिनल वन प्लस नोट है उसमें स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम था, लेकिन अब वन प्लस नोट टू इसमें हमको देखने मिलेगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 जो कि फ्लैक्सिब लेवल का है। और इस फ्लैक्सिप लेवल के प्रोसेसर के साथ ये फ्लैक्सिप लेवल से कम्पीट भी कर सकता है क्योंकि इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 1200 जो होने वाला है। और इसके साथ हमको इसमें देखने मिलेगा 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज और फिर 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज। द वन प्लस नोट टू विल बी पावर्ड बाय एंड्रॉयड 11। इसमें एंड्रॉयड का 11 वर्सन देखने को मिल सकता है और इसमें हमको देखने मिलेगा 4500mAh का बैटरी जो कि लास्ट ईयर ओरिजिनल वन प्लस नॉर्ड से थोड़ा ज़्यादा है और ये यूसेज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि वन प्लस नॉर्ड टू में हमको फ्लैक्सिप लेवल का प्रोसेसर देखने मिल सकता है तो इसका मतलब ये भी है कि ये फ्लैक्सिप किलर तो होगा ही, इसके साथ ये कुछ फ्लैक्सिप लेवल के स्मार्टफोन के साथ भी ये कम्पीट कर सकता है। कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही देखने मिलेगा। जैसे कि ओरिजिनल वन प्लस नॉर्ड में हमको 48 मेगापिक्सल देखने मिला था मेन सेंसर जो कि था, और यहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। ओवरऑल कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड और माइक्रो लेंस के साथ आएगा। लास्ट ईयर वन प्लस नॉर्ड ओरिजिनल जो कि उसमें देखने को मिला था 48 मेगापिक्सल का, तो इस साल 50 मेगापिक्सल मतलब सिर्फ 2 मेगापिक्सल का ही डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं वन प्लस नॉर्ड टू वन प्लस नॉर्ड ओरिजिनल से क्या कुछ डिफरेंस रहता है, और ये सब कुछ स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो और फोन के लॉन्च के बारे में बात करें तो ये मिड जुलाई या फिर एंड ऑफ द जुलाई जुलाई के लास्ट वीक में लॉन्च हो सकता है। और प्राइस के बारे में बात करें तो ये 22-30 के या फिर 35 के बीच में ऑफ कोर्स रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।